दो दो कुड़े महगनानी चार जी वैगनानी उत्ते नू मैं शीशे इंच चक्किया टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू इक्की बारी जोर ला ले छत्तिया जे को शक ने आ करी चेक ने बीबा जट दिया चले सरताले लगे जैक ने ना वड़े जैक ने उत्ते आले नाल लाई बैठे गाइस कैसे हो आप लोग। तो भाई मैं फिर से हूँ मनीष कार एसेसरीज पर और आज आपके सामने भाई फिर से एक और ब्रांड न्यू नेक्सॉन और ये वाला जो वेरिएंट है फिर से आपके लिए होने वाला है। कौन सा वाला? क्रिएटिव भैया। क्रिएटिव बेसिकली ये भी टॉप में ही आता है ना एक तरीके से, सारी चीजें तो आती है। अच्छा तो क्या क्या कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, क्या क्या करा हमने? बेस टू टॉप, तो ये तो ऑलरेडी बेस तो थी नहीं ना, तो टॉप ही थी पहले। अच्छा फेयरलेस प्लस बना दिया है, तो बेसिकली क्या क्या लगाया हमने एक बार बता दो आप। किट प्रो लगा दिया, जीटी किट प्रो भी लगा दिया है भाई। फ्रंट साइड का लुक आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ, आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। ये देखो भाई क्या बात है, सेम भैया कलर सेम में आता है, मतलब कोई भी कलर ले लो उसमें आप, बहुत बढ़िया। तो ये वाला भी अपना एम टेक का रहने वाला है भाई, पूरी जो किट है वो कुछ ऐसे करके लग जाती है। भैया ये चिपकती है या नट के थ्रू लगती है? टाइट होता है, चिपकती है, दोनों चीज है। बाकी भाई लुक देखो कितना ज्यादा फाड़ आ रहा है इस गाड़ी का यार, काफी ज्यादा बल्की हो गया लगने के बाद। अच्छा जीटी लिखा जाएगा यहाँ पर, देखो भाई जीटी भी लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक के अंदर हर किट में। एम टेक है, बहुत हैवी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ये एम टेक कंपनी का आपका और गाड़ी का जो लुक है काफी ज्यादा बल्कि हो गया। तो फ्रंट में लगाया या बैक में भी लगाया? दोनों साइड में लगाया आपने, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ और क्या क्या हुआ भैया? बोनट वाली DRL, तो इसमें क्या रहता है भैया, फायदा क्या होता है इसका लगाने का? ईवी जैसा लुक रखता है जो लोगों को पसंद आ रहा है आजकल, है ना। तो नेक्सॉन बेसिकली आपकी पेट्रोल है, रनिंग वाला भी मिल जाएगा। अच्छा राइट वाला है, तो ये स्टिल चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, तो ये देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। अभी तक शायद आपने गौर नहीं किया होगा लेकिन इस वाली नेक्सॉन के अंदर ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ये अंदर ही अंदर रहता है, है ना। ऐसा फील आता है जैसे बिल्कुल ईवी आ रही हो सामने से, लेकिन लुक अच्छा लग रहा है। रात को जब गाड़ी चलती है तो उस टाइम पर वो और ज्यादा ब्राइट भी हो जाता है ना, काफी अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा इस गाड़ी में फॉग लाइट नहीं आती है? बहुत बढ़िया, तो ये हमने लगाया प्रोजेक्टर लगाया हमने इसके अंदर विद इसके जो वो आता है फिटमेंट के साथ प्रॉपर लगाया फ्रेम, ठीक है, बाद मिनी प्रोजेक्टर लगाया, फिर रिले वायर लगाया प्रॉपर। और यहाँ पर आप देख लो भाई थ्रो चेकआउट कर लो, अभी हेडलाइट बंद है, सिर्फ फॉग लाइट जल्दी है, फॉग लाइट का ही थ्रो चेकआउट कर लो भाई, ठीक है। सिमिलरली हमने इस गाड़ी के अंदर भी 2 इंच का प्रोजेक्टर लगा रखा है, कुछ कुछ मिलता जुलता ही। ये भी 2 इंच है और ये भी 2 इंच है ना, और मैं रियल बता रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर भी ना भाई मैं बिल्कुल मतलब हेडलाइट ऑन ही नहीं करता, ठीक है। हेडलाइट तो काफी पावरफुल है बट फिर भी ऑन नहीं करता, लेकिन इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट जो वो इतनी पावरफुल नहीं है, बट हमारा जो प्रोजेक्टर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपको इसमें भी हेडलाइट ऑन करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट ज्यादा चाहिए तो ऑन कर सकते हो। और क्या क्या करा अभी हमने? ठीक है, अच्छा नेक्सॉन की बैजिंग, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा डोर वाइजर, और ये हमें किस किस क्वालिटी में मिल जाता है? ये सारी कंपनी का, गैलियो का है, लिंक का है, टाटा जेन्युइन है, टाटा जेन्युइन भी आता है जी भैया, तो वो आपके पास अवेलेबल है? हाँ भैया अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमने जो लगाया ये वाला कौन सा वाला भैया? बिना एक तो ये क्रोम वाला नहीं है, आपके मार्केट है, नेक्सॉन लिखा हुआ है, नेक्सॉन लिखा हुआ है, बढ़िया क्वालिटी के अंदर है, क्वालिटी बढ़िया है ना, हाई एंड क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन वही है जिस बंदे को क्रोम नहीं चाहिए वो मत लगवाओ ना, ठीक है। फेंडर अगर लगाना क्रोम तो लग जाएगा, पियानो दोनों लग जाएगा, ठीक है, और वो क्रोम भी तो आता होगा, क्रोम और पियानो दोनों ना, क्रोम और पियानो दोनों लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिटिंग लग जाएगा साइड वाली, ठीक है, उसके बाद डोर गार्ड कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देती है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री टाटा के लोगों के साथ। देखो छोटी सी चीज है बट टाटा का लोगो भी इसमें आपको मिल रहा है, काफी बढ़िया है, और प्रोटेक्शन भी काफी अच्छी करती है। उसके बाद अगर बात करें बहुत बढ़िया। बाकी भाई आप लोगों को एक चीज और शेयर कर देता हूँ, जब भी आप अपनी बेस मॉडल गाड़ी लेके आ रहे हो जो स्मार्ट मॉडल होता है उसके अंदर टेल लाइट नहीं आती, अगर आप ये टेल लाइट इंस्टॉल कराते हो तो भैया आपको दे रहे हैं ये वाला रिफ्लेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो भाई ये आपका रिफ्लेक्टर ऑन हो गया, और इसके अंदर पार्किंग है ना, ये पहली बार जब हम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑन होता है ना। ये देखो भाई ये इसके इंडिकेटर चालू हो गया ना, ठीक है, ये हाई जलेगा तेज, ये देखो भाई कितना ज्यादा ब्राइट जला जब ब्रेक दबाते हैं तब, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या करा हमने पीछे की साइड में? हाँ पार्सल ट्रे भी इंस्टॉल कर दिया। ये देखो भाई इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑलरेडी बटन मिल जाता है, वैसे छोटे मॉडल में वहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये अपनी पार्सल ट्रे है जो कि टाटा जेन्युइन पार्सल ट्रे मिलेगी आपको, ये देखो भाई 1800 रुपए की, क्या बात है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
नेक्सॉन की बैजिंग के साथ मैं GFX मैट भी इंस्टॉल कर दिया है। बहुत बढ़िया भाई, मैट लगने के बाद काफी ज्यादा बचाव भी हो जाता है। ये देखो भाई ये डिग्गी के लिए तो सबसे ज्यादा बढ़िया मैट है GFX वाला। उसके बाद इसकी कॉस्टिंग कितनी होती है भैया मैट की? 1800 रुपए की। क्या बात है भाई, आपको GFX जैसा मैट मिल रहा है सिर्फ 1800 रुपए में। आपकी डिग्गी पूरी प्रोटेक्ट है, बढ़िया है ना। कोई भी सामान फेंको, कुछ भी करो। क्रिएटिव मॉडल के साथ साथ इसके अंदर हमने पीछे एक डिफ्यूजर भी इंस्टॉल किया हुआ है एमटेक का ही। ये देखो भाई क्या बात है, कितना ज्यादा बढ़िया लुक लग रहा है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताना, बिल्कुल एकदम स्पोर्टी लुक आ रहा है पीछे की साइड से। एमटेक ब्रांड भी यहाँ पे मेंशन है। और ये फ्रंट और बैक एक साथ आते हैं ना दोनों? फ्रंट बैक एक साथ आता है, सिंगल पीस नहीं बिकता इसका। सिंगल पीस नहीं बिकता? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, मतलब सिंगल पीस आपको मिलेगा ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपने अपनी नेक्सॉन के अंदर इंस्टॉल करवाना है, बहुत कम लोग इसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन लगवाने का एक फायदा जरूर होता है। जब आप गाड़ी बैक करते हो ना, तो आपका बम्पर ना लग के पहले ये चीज टच होती है, तो बम्पर कहीं ना कहीं आपका बच जाता है ना। बम्पर सेफ रहता है, इससे बहुत बेनिफिट होता है। सही बात है। और क्या क्या करा अभी हमने गाड़ी में? बहुत काम किया। चलो इंटीरियर की तरफ चलते हैं, एक बार आप उधर से आ जाओ, इधर से आ जाता हूँ। ये इस गाड़ी का इंटीरियर, जिसके अंदर भैया क्या क्या चीज इंस्टॉल करी है हमने अंदर? मेन काम किया हमने सीट कवर का, ये बहुत हैवी सीट कवर है भैया। ठीक है। और ये हमने लगाया, इसकी लाइफ टाइम की वारंटी है। सीट कवर की लाइफ टाइम की वारंटी होगी। क्या बात है, एक बार आप पास से चेकआउट करो भाई। देखो भाई, यहाँ पे चेकआउट करो भाई। ये देखो पूरा का पूरा सीट कवर चेकआउट कर लो आप लोग। ये पूरा डायमंड कट में है ना? डायमंड कट है, और जो अंदर इंटीरियर का वो सेम टू सेम डायमंड कट लगाया है। ठीक है। और जो भैया यहाँ पे आर्मरेस्ट लगाते हैं ना, कुछ ऐसा ये हमने लगाया है। अच्छा, ये देखो क्या बात है, पेज लगता था आपने ये लगा दिया, तो ये भी बढ़िया चीज है भाई। ये तो बिल्कुल एकदम दिखाते रहते हैं आपको। ये लो, बिल्कुल नया आर्मरेस्ट है भाई, ब्रांड न्यू आपकी नेक्सॉन के लिए। और ये बिल्कुल कलाकारी से बना दिया है ना, काफी अच्छी चीज है भाई। और आपको इसमें आपको अब होल भी कराने की जरूरत नहीं है, ये तो थार वाला सीन होगा। थार में कुछ ऐसा आता है कि ऐसे करके लगा लो, और ये आपकी गाड़ी के अंदर ये देखो ये लग गया आर्मरेस्ट। और अब ये कहीं जाएगा नहीं, ना आगे पीछे होगा ना जाएगा। और छोटा सा प्यारा सा काफी बढ़िया लग रहा है, और लुक भी काफी अच्छी आ रही है उसकी भाई। इसके अलावा बात करें अगर एम्बिएंट लाइट की भैया, क्या बात है, मतलब 6 पीस है टोटल रनिंग मोड के अंदर। इसके हमने इनर हैंडल भी लगाए भैया। अच्छा, किसी भाई को चाहिए तो लग जाएगा। अच्छा, लग जाएगा ना, अपने पास अवेलेबल है। लेकिन कितने प्यारे लगते हैं भाई, एक बार चेकआउट करो। ये देखो फिनिशिंग देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो, और एम्बिएंट लाइट देखो, फिनिशिंग एम्बिएंट लाइट की कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई। काफी ज्यादा प्यारी है एम्बिएंट लाइट आपके। एक इस वाले पोर्शन में लगती है एम्बिएंट लाइट, और एक लगती है आपके इस वाले पोर्शन में। ठीक है, पूरा K4 सीरीज है। और पीछे गेट में देखो भाई, ये देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, पीछे भी जलती हुई और आगे भी। ये देखो भाई प्रॉपर देखो। और भी और क्या क्या करा है हमने इस गाड़ी के अंदर? हमने लगाया एक तो GFX का मैट डाल दिया। ठीक है, फ्रंट और बैक में दोनों में। बहुत बढ़िया, ये देखो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई। GFX हमने डिग्गी में भी डाला है, बूट में, और GFX हमने यहाँ पर भी इंस्टॉल किया है। और इसके नीचे हमने फ्लोरिंग डाला, चेकमेट क्वालिटी। ये देखो भाई चेकमेट वाला, क्या बात है। ये चेकमेट क्वालिटी के साथ में जो फ्लोरिंग आती है भाई, वो इंस्टॉल कर दिए यहाँ पर। इसका ना कहीं टैग भी होता है, देखो वो दिख रहा होगा आपको टैग छोटा सा। ये देखो भाई चेकमेट लिखा होता है। और इसकी क्या होती है गारंटी वारंटी भी? रिप्लेसमेंट वारंटी है, कुछ भी दिक्कत हो ना भैया तो चेंज हो जाएगा हैंड टू हैंड। ठीक है, दिक्कत आता है। और मुझे बड़ा फील आ रहा है इसके स्टीयरिंग में भैया, क्या ही है स्टीयरिंग में? स्टीयरिंग कवर लगा दिया, कवर है डुअल टोन, सेम उसकी तरह लग रहा है बिल्कुल। जैसे सीट कवर लगाया है, जैसे इंटीरियर है, सेम मैच कर रहा है। स्टीयरिंग भी काफी अच्छा लग रहा है भाई। पर देखो भाई, जिस तरह की डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिख रही है ना इस मॉडल के अंदर, सेम डिस्प्ले भैया भी इंस्टॉल करते हैं आपको स्मार्ट मॉडल के अंदर ना। 10.3 इंच, क्या बात है, 10.3 इंच। और इससे ज्यादा ही फीचर्स आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। इवन इसके अंदर अगर 360 है ना, तो भाई आपको 360 का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी ये देखो, ये वाला जो लुक है ना, सेम आपको आपके बेस मॉडल के अंदर मिल जाता है। और जो यहाँ पर भैया ने ये दे रखा है ना, देखो यहाँ पे इसे नीचे करते हैं तो इसके साइड भी फोल्ड हो जाते हैं, और दोबारा नीचे करते हैं तो अनफोल्ड भी जाते हैं। सेम आपको मिलता है 9000 रुपए का मात्र, 9500 रुपए की फिटिंग करके दे देंगे, स्विच ले सेम टू सेम जो मिरर है उसमें डल जाएगा मोटर आपको। क्या बात है। और यहाँ पर अगर मैं रिस्पांस की बात करूँ तो इसकी फॉग लाइट जो है वो भाई दिख रहा होगा आपको, थोड़ी थोड़ी नीचे नजर आ रही होगी। ये देखो भाई, ये देखो, तो अभी सामने बिल्कुल गाड़ी खड़ी है। अगर कोई गाड़ी ना होती तो मैं आपको रिस्पांस दूर तक चेकआउट कराता, लेकिन विश्वास करो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर भी इंस्टॉल करा रखे हैं, और मैं हेडलाइट ऑन नहीं करता हूं, एंड आपको भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, है ना। और क्या क्या चीज भैया हमने लगाया इस गाड़ी के अंदर? सारा कंप्लीट है। तो ये था अपना बेसिकली क्रिएटिव मॉडल, और क्रिएटिव मॉडल के अंदर हमने इतनी सारी चीजें लगा दी है मनीष भैया ने, है ना। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल के अंदर भैया सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल करते रहते हैं। तो आज भैया ने कितनी सारी चीजें लगा दी इस गाड़ी के अंदर भाई, फ्रंट साइड में। अच्छा, एक बार वो भी दिखा दो, विद बटन के साथ, स्विच के साथ। ये देखो ये खुला, और ये देखो भाई ये बंद हो जाएगा भैया, खुल जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा भैया।
क्या बात है। तो ये ग्लोव बॉक्स के अंदर भी आपको लाइट भी मिल जाती है भाई, इतनी सारी चीजें भैया ने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है भाई। कुछ कहना ही नहीं, अगर आप लोगों के पास क्रिएटिव या स्मार्ट या कोई भी मॉडल है जिसके अंदर आप इनमें से कोई भी मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो भाई आपके लिए तो है ही मनीषकार। लेकिन अगर आपके पास है स्मार्ट मॉडल तो वहां पर भैया दे रहे हैं आपको पावर विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट, रिफ्लेक्टर फ्री है, और बाकी लास्ट में भैया देते हैं कुछ उपहार आप लोगों को, जैसे कि परफ्यूम जो कि गाड़ी की एक यूजफुल चीजें होती है, जो पुलिस डोर गार्ड हाँ दो तीन तीन चीजें देते हैं भाई, या तो माइक्रोफाइबर कपड़ा मिल जाएगा आपको, पॉलिश मिल जाएगी, परफ्यूम मिल जाएगा, ये दो चार चीजें मिलने के बाद आपकी गाड़ी को चार चांद लग जाते हैं, नाउ आपकी गाड़ी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार भाई कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वाली नेक्सॉन कैसी लगी, क्योंकि क्रिएटिव मॉडल शायद हम बहुत कम डालते हैं, है ना भैया ने करे इतने सारे हैं लेकिन हम डालते इतने कम है, क्योंकि भैया का मोटिव रहता है बेस वाले भाइयों के लिए ज्यादा, है ना। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हर एक भाइयों को पता चलना चाहिए क्रिएटिव के अंदर भी काम हो सकता है, फेयरलेस में भी हो सकता है, और एम्बिएंट लाइट सभी गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल हो सकती है। तो नाउ हमने इस गाड़ी के अंदर कर दिया ना इंस्टॉल। चलो भाई यहाँ पर तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन कंप्लीट है, बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से। कैसे हो सर? एक बार सर अपना नाम शेयर कर दीजिए और कहाँ से आए थे आप? जी मैं राहुल मित्तल हूँ। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा। क्या बात है। तो भैया इतनी दूर से कैसे आना हुआ मनीष कार एसेसरीज पे? कहाँ देख लिया आपने इनको? दो हफ्ते पहले ही गाड़ी खरीदी है। ठीक है। और मैं यूट्यूब पे मतलब काफी देख रहा था कि मतलब किसकी मतलब सबसे बढ़िया मॉडिफिकेशन हो रखी है। ठीक है। तो मैंने मनीष भाई का देखा, मेरे को काम अच्छा लगा, उन्होंने मतलब टाटा नेक्सॉन पे काफी काम कर रखा था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया एक्चुअली। सही बात है। हाँ। तो अब ये जो आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन हो गई है इतनी सारी चीजों की, तो कैसी लग रही है? सेम वही फील है जो वीडियोस में देखी थी या कुछ अलग लग रहा है? बिल्कुल, मतलब काम बिल्कुल A1 था, मतलब बिल्कुल एम्बिएंट लाइट सबसे ज्यादा मजेदार लग रही है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट एक जगह पे लगी हुई है ना। सही करी है। हाँ क्या बात है भाई, वो भी मॉडल आपका एक तो ऐसा है ना, एक तो बेस मॉडल होती है और एक क्रिएटिव मॉडल है, तो दोनों में फिनिशिंग देने में बहुत ज्यादा फर्क आया था ना। इस मॉडल के अंदर देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस आपको दे रही है और वहाँ पे कुछ एक चीज थोड़ी सी लगती है ना तो बेकार लगती है। तो यहाँ पर तो भाई एम्बिएंट लाइट तो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी इस गाड़ी के अंदर, जो कि परफेक्ट लगी हुई। तो आपकी तरफ से सारी चीजें ओके आराम बढ़िया। अगर बात करें कोई भाई जो हमारे स्मार्ट से लेकर या फेयरलेस कोई भी मॉडल परचेज कर रहे हैं तो क्या कहते हो, आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बढ़िया काम करते हैं मनीष भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो इसी तरीके से भाई आप लोग भी विजिट कर सकते हो भाई मनीष कार एसेसरीज पर, जो की है करोल बाग में, और यहाँ बैठे भाई हमारे जी भैया। तो एक बार भाई बता दो तुम कहाँ जा रहे हो अभी? भगवान के द्वार जा रहे हो तुम? बावन हम जा रहा हूँ झारखंड में जो है। क्या बात है, लेकिन काम चलता रहेगा। काम चलता रहेगा, आप आते रहो, काम इसी तरीके चलता रहेगा विद लॉयल्टी के साथ। तो करते भाई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट। ऐसे कर दो भैया पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दो उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जप तपहाड़ा, फिक्र का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने डमरू फाड़ा।